बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यारल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों पॉलिनोमियल क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं हम, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे ग्राफ, जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना, और उसके जीरोज के बारे में जानेंगे कि उसके कैसे हम लोग शून्यक निकालते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन के लिए बात कर चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। वहां पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था और हम लोग शून्यक निकाले थे, मतलब जीरो निकाले थे कि उसका जीरो कैसे निकलेगा, है ना। तो काफी आसान लेक्चर था, अगर आप वो नहीं देखे हो तो पहले आप देख लो, तो इस नेक्स्ट वीडियो पे आओ तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं राहुल गुप्ता, आप देख रहे हैं डीएनए क्लासेस या राहुल गुप्ता। चलिए देखते हैं क्या क्या बच्चों, जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ग्राफ, है ना। सबसे पहले तो बात करें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, है ना। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर ले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों उसका जो जनरल फॉर्म होता है, क्या बोल रहे हैं, जनरल फॉर्म वो इस रूप का होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए किसका कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशियंट है, एक्स का, और सी क्या है, कॉन्स्टेंट। सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्या है, तो ये बच्चों कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक भी बोलते हैं, है ना, गुणांक। और बी क्या है बच्चों, यहाँ पे बी है कोफिशियंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट है सी, है ना। सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है सी, सही है। ऐसे एबीसी तीनों कांस्टेंट है, लेकिन सी जनरली अचर पद कहा जाता है इसको, है ना, हिंदी में अचर पद कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जीरोज का, किसका, जीरो का अगर हम बात करें, तो जीरो ही निकालने के दो तरीके हैं, है ना। अगर हम जीरोज की बात करें, अगर हम जीरोज की बात करें तो बच्चों, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए पॉलिनोमियल का वो टू होना चाहिए। देखो यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, टू है, है ना। तो वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर टू है तो आप उसको बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वन होता तो आप उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स का मैक्सिमम पावर दो है, यहाँ पे एक्स का पावर वन है, तो मैक्सिमम दो है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, लिख लीजिएगा आप ये बात, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, कितना होने वाला है, टू होने वाला है। अच्छा बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कि जीरोज क्या होगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगर हम जीरोज की बात करें, किसकी बात करें, जीरोज की, तो जीरोज की अगर बात करें तो दो फॉर्म होते हैं जीरोज निकालने के, है ना। पहला फॉर्म तो ये होता है, पहला तरीका ये है आपका, कि सबसे फर्स्ट तरीका है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड आप लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है फॉर्मूला मेथड। तो ये आपको बड़े डिटेल में पढ़ना है क्लास 10 में कि फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये आप पहले क्लास 9th में 8th में आप डील कर चुके हो सब चीजें। तो ये है बच्चों आपका फॉर्मूला मेथड। तो मैं एक सवाल लूंगा और दोनों विधि से, दोनों माध्यम से आपको बनाकर दिखाऊंगा कि जीरो निकालते कैसे हैं, है ना। दो तरीके होते हैं हमारे पास, क्या होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या होता है, फॉर्मूला मेथड। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल लेके, है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हटाते हैं इसको, एग्जाम्पल लेना स्टार्ट किया जाए। चलिए दो तरीकों से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से और एक सॉल्व करेंगे हम लोग, एक सॉल्व करेंगे जो आप पहले से जानते हो फैक्टराइजेशन मेथड से। जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ले ले। चलिए एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लो वाई बराबर, वाई एक एफ एक्स को हम लोग वाई बोल रहे हैं, तो वाई बराबर मान लो दिया हुआ है कुछ इस तरह से, है ना, क्या दिया हुआ है, या ऐसा समझ लो, हाँ वाई बराबर मान लो ऐसे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये दिया हुआ है वैल्यू। तो सबसे पहले लोग आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे, किस पे, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए सॉल्व करते हैं, तरीका क्या होता है, है ना, तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा इस पार्ट को हम लोग स्प्लिट करते हैं, इसको इस तरह से इसको गुना करके लिखोगे तो कितना आएगा, एट एक्स स्क्वायर आता है, आपको ये बात पता है ना, एट एक्स स्क्वायर। और इसको तोड़ करके लिखा जाता है, इस तरह से तोड़ के लिखा जाता है कि गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है एट एक्स स्क्वायर। अच्छा गुना करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस एट एक्स स्क्वायर, ध्यान से दो,
इसको और इसको गुना करना होता है, इस टर्म और इस टर्म को, ए को, ये पूरे एक्स स्क्वायर को और ये सी को, है ना। चलिए तो यहां पे इसको तोड़ के लिखा जाता है, तोड़ के क्या लिख सकते हो, देखो तोड़ के इस तरह से लिखना है ताकि गुना करने पे इतना आ जाए, तो फोर और टू का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सब आपको पता है पहले से ना, फैक्टराइजेशन मेथड की कहानी। तो हम अगर इसका फैक्टर करेंगे तो क्या क्या होगा, देखो ध्यान दो, हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स और माइनस एट, होगा ना। देखो चार दूनी आठ, माइनस टू एक्स बचेगा, और यहां पे फोर टू जाकर करेंगे तो माइनस एट आ जाएगा, माइनस एट एक्स स्क्वायर। चलिए यहां से एक्स कॉमन है निकालिए एक्स, तो यहां आ जाएगा एक्स माइनस चार, यहाँ पे दो कॉमन है निकालिए तो यहां से आ जाएगा एक्स माइनस चार। बच्चों जो वैल्यू यहां आना चाहिए वही वैल्यू यहां आना चाहिए, इसका देखने का तरीका होता है। अब देखो इस वाले टर्म में प्लस के साइड देखो, प्लस के साइड देखो, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर को बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा एक्स प्लस टू, ध्यान दो। तो एक्स के दो वैल्यू यहां से आ सकते हैं, है ना, एक्स की अगर वैल्यू देखे तो दो वैल्यू आ सकता है ना। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जीरो, तो अगर हम एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो रखें तो एक्स का वैल्यू एक बार चार आएगा, और एक बार हम एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रखें तो एक्स का वैल्यू माइनस टू आएगा। तो ये दोनों बच्चों क्या निकल गए, जीरोज, ये शून्य निकल गए, क्या निकल गए, जीरोज, है ना, जीरोज, है ना, जीरोज ऑफ, एक नहीं दो तो जीरो होते हैं इसके, तो जीरोज ऑफ, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, है ना। तो जो ये तो एक्स का वैल्यू चार, एक्स का वैल्यू चार रख दो आप यहाँ पे तो भी ये पूरा पॉलीनोमियल जीरो हो जाएगा, या एक्स का वैल्यू आप माइनस टू रख दो तो भी ये पूरा पॉलीनोमियल जीरो हो जाएगा। आप रख के देख लो, देख लो, चर्चम का सोलह हो जाएगा ये, है ना, और चार दुनिया आठ, आठ आठ सोलह, सोलह में से सोलह गया जीरो, खत्म है। वैसे आप माइनस टू रख के देख लो, खत्म हो जाएगा पूरा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो, एक तरीका पहले से जानते हो, ये सेवन एट में आप पढ़ चुके हो फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका होता है बच्चों फॉर्मूला मेथड। अगर हम फॉर्मूला की बात करें, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले तो एक टर्म होता है यहाँ पे डी, और यहाँ पे आप पढ़ोगे कि डी का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी बी क्या होता है, ध्यान दो, आप जनरल मेथड आपको मैं पहले बता चुका हूं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरल मेथड, है ना। देखो क्या है यहाँ पे, पहले देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एट है। देखो ये किस रूप का, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए, समझो। तो यहां से अगर आप ध्यान दो तो क्या हो रहा है, देखो तो ए का मान कितना है, ए का मान है वन, ए का मान कितना है वन, देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह वन है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वन है। बी की जगह कितना रखोगे, माइनस टू, बी की जगह कितना रखोगे आप, माइनस टू, और सी की जगह कितना रखोगे, सी की जगह रखोगे माइनस आठ। ये वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, बस रख दीजिए। तो बी कितना हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर, है ना, माइनस फोर, ए का मान वन और सी का मान माइनस आठ, तो बच्चों ये आ रहा है चार और ये प्लस हो जाएगा बत्तीस, तो यह आ रहा है छत्तीस, थर्टी सिक्स आ रहा है, कितना आ रहा है, थर्टी सिक्स। और जो शून्यक होता है, शून्यक मतलब जीरोज होता है, मतलब जो हम लोग इसका मान निकालेंगे या जीरोज निकालेंगे उसका फॉर्मूला जो होता है, जीरोज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जीरोज। तो जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है, जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, है ना। यहाँ पे डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, अब ध्यान दो यहां से वैल्यू रखो, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस, बी का मान कितना है, माइनस टू, माइनस टू रखा हमने, प्लस माइनस, ये हो जाएगा थर्टी सिक्स बटा टू, ए का मान वन है, यहां से प्लस हो जाएगा तो एक बार आ जाएगा। देखो एक बार क्या आ जाएगा, दो वैल्यू आएंगे यहां से, एक वैल्यू तो आएगा एक्स का, एक वैल्यू तो एक्स का आएगा कितना, माइनस, तो प्लस टू हो गया ना, ये तो आ गया टू, एक बार हम प्लस रखते हैं यहां से, तो प्लस छह बटा दो, और एक बार एक्स का वैल्यू आ जाएगा दो, एक बार माइनस छह बटा दो, एक बार प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, रखा हमने, एक्स का वैल्यू यहां से रखोगे तो आठ बटा दो चार आ रहा है, एक्स का वैल्यू यहां से रखोगे तो माइनस छह में से दो गया माइनस चार, और माइनस चार को काटोगे तो माइनस दो आएगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको ये, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो बच्चों एक्स का वैल्यू एक माइनस दो बन रहा है, एक्स का वैल्यू कितना बन रहा है, चार बन रहा है, देखो सेम वैल्यू आ रही है ना। तो जैसे बना लो आप, ये क्या है, जीरोज है, ये क्या है, जीरोज। तो ये तरीका होता है एक, इस तरीके के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे यहाँ पे अगले चैप्टर में, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े डिटेल में पढ़ना है टेंथ में, है ना। तो आप वहां पे बड़ी अच्छे से डील करोगे, बहुत सारे सवाल करोगे, है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स करोगे, है ना। तो वो सब चीजें आप जब आएगा तब देखेंगे। तो ये एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला मेथड होता है, और क्या होता है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग डील करते हैं, जीरोज निकाला कैसे जाता है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर जीरोज का फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, बात करेंगे हम लोग आगे बड़े डिटेल में इसको, तो हटाया जाए। चलिए
अब आते हैं इसके ग्राफ पर। ये तो जीरो ही निकालने का तरीका हुआ है ना, जीरो कितने निकलेंगे बच्चों, हमेशा जीरो इसके दो निकलेंगे। इस बात का ध्यान रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो हमेशा दो जीरो जाएंगे, क्यूबिक रहता तीन आते है कि नहीं, पॉलिनोमियल रहेगा तो एक आएंगे। ये सब बातें आपको समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ा जाए। चलिए ग्राफ की बात किया जाए, चलिए ग्राफ करते हैं ना, ग्राफ क्या है? देखो ग्राफ की बात करते हैं तो बच्चों आपको मैं ये बात बता दूं कि लीनियर का ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। यहां पे जो ग्राफ आने वाला है क्वाड्रेटिक का, वो आने वाला है पैराबोला। क्या आने वाला है? पैराबोला। पैराबोला बोलते हैं हिंदी में उसको, बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। तो बच्चों यहां जो ग्राफ बनेगा है ना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल है ना इज पैराबोला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परवलय है ना। तो क्या होता है परवलय, देखा जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। परवलय अगर बनाया जाए तो परवलय आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो है ना, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, सब परवलय है ना। आप ये बना लो, आप ये बना लो, ये बना लो, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सब परवलय के अंदर आएंगे, ये सब परवलय कहलाएंगे है ना। तो देखते हैं क्या है ये, कैसे बनेगा। चलिए तो अगर बात किया जाए तो इसकी कुछ बातें हैं बच्चों। आप सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे जो वही एग्जांपल ले लेते हैं जो कर रहे थे हम लोग अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, सॉरी माइनस एट एक्स था यहाँ, माइनस टू एक्स था ना, माइनस टू एक्स और माइनस एट, ये था वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। मान लो अगर आप बोला तो सबसे पहला तरीका तो यही आसान तरीका है ना, क्या करोगे आप तरीका कि आप एक्स का मान रखोगे है ना, एक्स और वाई का मान लेते हैं, वैल्यू वाई इक्वल टू दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे किसके लिए, एक्स के लिए और वाई के लिए है ना। एक्स के लिए वैल्यू रखोगे, वाई के लिए वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि एक पहले लिस्ट बना लीजिए और एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देख लीजिए, आपको पता चलेगा है ना। एक्स की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट रखिएगा, हाँ यहाँ पे दो पॉइंट से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक्स की वैल्यू आप रखते जाइए, उससे वाई की वैल्यू आती जाएगी है ना। एक्स की बहुत सारी वैल्यू रखिए है ना, आप पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वैल्यू रखिए कुछ, फिर सेकंड क्वाड्रेंट वाला, मतलब आप अलग अलग ऐसे ऐसे रखिए। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू पहले जीरो रख के देखो, फिर वन रख के देखो, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर बढ़ते जाओगे, अपने आप आपको ग्राफ का संतुलन मिलेगा है ना। वैसे मान लो अगर आप इधर बढ़े हो तीन तक तो ठीक है ना, इधर तीन तक ही बढ़ो, इधर क्या बढ़ लो, इधर बढ़ लो माइनस वन में, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, आप इन सब के लिए निकाल के देख लो, हमेशा क्रम में पढ़ो बेहतर होगा है ना। तो क्योंकि ग्राफ ऐसे मिलता है ना कुछ, इसका हमको पहले से पता है ग्राफ कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। तो वाई की अलग अलग वैल्यू जाएंगी, वाई की अलग अलग वैल्यू जाएंगी, बस आपको पॉइंट्स नोट डाउन करके प्लॉट कर देना है। आप जब प्लॉट करोगे ना तो कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। आने वाला कैसा है ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसे मान लो आ जाएगा ऐसे, ये परवलय है, क्या ये परवलय है, मान लो ऐसा ग्राफ आ जाए कुछ है ना। तो ये जनरली जो ग्राफ बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं परवलय, पैराबोला। तो ग्राफ की कुछ 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 सत्य है, मतलब जनरली कुछ कुछ बातें हम ध्यान में रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं तो वो नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट में आप ये लिख सकते हो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट, आप बना लोगे ग्राफ इसका है ना, आप ग्राफ बना लेना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राफ। इसकी ग्राफ की अगर बात करें तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखा जाए तो क्या है, देखो पहला पॉइंट ये बच्चों कि जो आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म अगर आप लिखो तो जनरल फॉर्म क्या था, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म यही था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। सॉरी तो सबसे पहले क्या बात है कि ए को आप देखो ध्यान से, क्या ए को, ए बी और सी दिख रहा है आपको। तो अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जैसे इसमें देखो ए यहां पे वन है ना, तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड पैराबोला होगा, ऐसा होगा अपवर्ड ऐसे उठा हुआ होगा है ना। तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा बच्चों, देन ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला
अपवर्ड होगा। अपवर्ड पैराबोला का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मान लीजिए ग्राफ है तो ग्राफ कुछ मान लो कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ मान लो ऐसे अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कुछ इस तरह से समझो आप। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ए का वैल्यू जीरो से छोटा है तो उसी का उल्टा हम बोल सकते हैं कि देन ग्राफ जो बनेगा आपका, ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनने वाला है? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला है ना। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ऐसे बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरह से देखो यह डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यह है एक्स एक्सिस यह है वाई एक्सिस, दिख रहा है आपको ये बोर्ड में है ना, कुछ इस तरह से, सही है ना। तो ये बच्चों है, ये सेकंड पॉइंट है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें समझो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो और क्या है, देखो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर अगर जो आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या है आपका एक्स स्क्वायर, मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो, यहां पे जनरल फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह है जनरल फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक का। तो बच्चों तीसरी बात यह है कि जो हमने डी निकाला था, डी डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोले थे हम लोग। तो बच्चों इससे तीन बातें बनती है, इससे तीन बातें बनती है कि अगर अगर डी हमारा है ना, अगर डी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो डी डिस्क्रिमिनेंट, देन देन ग्राफ विल कट या पाराबोला है ना, हम ये बोल सकते हैं पाराबोला, पाराबोला विल कट कट ऑन एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, दो जगह काटेगा वो पाराबोला को, पाराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, दो जगह काटने वाला है। कब ऐसा? तब होने वाला है जब डी का मान जीरो से बढ़ा जाए, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा होगा है ना, कुछ ऐसा इस तरह से, ऐसे समझ लो आप ग्राफ, देखो दो जगह कटेगा, एक यहां काट रहा है देखो एक यहां काट रहा है, कुछ इस तरह से है ना। अपवर्ड हुआ है, अपवर्ड कैसे देखना है, अपवर्ड देखना है ए के वैल्यू से कि कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा, वो ए के वैल्यू से पता चलेगा। और ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा वो कैसे पता चलेगा, डी के वैल्यू से। डी अगर जीरो से बड़ा आता है तो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगह काटने वाला है। वैसे अगर डी छोटा आ जाता है जीरो से, डी अगर जीरो से छोटा, या डी पहले बराबर ले लेते हैं, पहले अगर डी बराबर आ जाता है जीरो को, जीरो के बराबर, देन पैराबोला टच टच एट सिंगल पॉइंट, टच है ना, टच करेगा बस केवल है ना, टच करेंगे तो बात खत्म हो गया, टच टच एक्स एक्सिस, टच एक्स एक्सिस है ना, मतलब कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो पैराबोला क्या करेगा, केवल टच करके भागेगा। जैसे मान लो ऐसे कुछ, जैसे मान लो ये बोला देखो, या ऐसे हो जाए, या ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, देखो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, टच करके ऐसे नीचे भागे, ऐसे कुछ इस तरह से, केवल टच करके, वो केवल टच करके भागेगा, सही बात है। ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो वो कट करके भागा है ना, इसको कट करके भागा है, टच करने की हम बात बोल रहे हैं ना। तो अगर ये टच करेगा, टच करके बात कर रहे हैं, मतलब टच करके भाग रहा है, एक पॉइंट पे जा रहा है ऐसे, और ऐसे हो रहा है, समझ आ रहा है आपको ये बात। तो पैराबोला टच करेगा केवल एक्स एक्सिस को, कब, जब डी का मान जीरो होगा। और तीसरा पॉइंट है कि डी अगर लेस देन जीरो हुआ, देन पैराबोला विल नॉट टच, ना तो टच करेगा, विल नॉट टच, हटाता हूं ये वाला, विल नॉट टच या क्रॉस एक्स एक्सिस, तभी एक्स एक्सिस को ना तो टच कर पाएगा ना तो क्रॉस कर पाएगा, कुछ इस तरह से। जैसे ऐसे समझ लीजिए आप, ये मान लीजिए ग्राफ है, और ग्राफ कुछ मान लीजिए ऐसे निकल जाए, देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कोई मतलब नहीं है, हाँ हो सकता है वाई एक्सिस को काट ले, ये अलग बात है। जैसे मान लो ऐसा हो जाए ग्राफ, कुछ यहां पे आ जाए, मान लीजिए ऐसे चला गया ग्राफ, समझ आ रहा है, डाउनलोड भी हो सकता है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स एक्सिस के संपर्क में नहीं रहेगा, एक्स एक्सिस को कहीं काटेगा ही नहीं, ना तो काटेगा ना तो टच करेगा, काटने का मतलब कि दो पॉइंट पे काट दे, और टच करने का मतलब एक सिंगल पॉइंट को छूता हुआ निकल जाए, है ना। तो वो दोनों केसेस यहां पे नहीं होंगे,
कब, जब डी लेस देन जीरो होगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। तो और ग्राफ से ज्यादा रिलेटेड टेंथ में आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है इसके बारे में, फिर आप जब जाओगे ना इलेवेंथ में तो आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा कि डी अगर लेस देन जीरो होता है तो रूट इमेजिनरी बनने लगता है, इमेजिनरी बनता है तो हम क्या क्या करते हैं, वो सब आगे की कहानी है। तो टेंथ के लिए इतना काफी है आपका, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।